सेफ सिटी में हम लोग आज आए ना, अब तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा निज़ाम भी बड़ा खूबसूरत हो गया। यहाँ आके आज पता चला है कि वाकई हम लोग जो अपनी पुलिस के बारे में जो बदगुमानी रखते हैं वो नहीं हमें रखनी चाहिए। करते ना फेयरिंग फूरिंग हो गई सी, अच्छा किसी ने कर दी थी सी, तो वो आए भी है, उन्होंने फिर बाद भी मैंने कॉल की थी, उन्होंने कहा जी बंदे आए ने, तुहानू कोई प्रॉब्लम होवे थाने वाला को तुहाडे नाल तावन नहीं कर रहा एस एच ओ या कोई भी, तू सानू कॉल करनी है फिर असी जानी है तो हो जाए नहीं। उन्होंने पता है, उन्होंने सारा डेटा कटिया मेरा तुहानू पता है इतों सेफ सिटी है, इतने कुछ नहीं बच सकता। एक तरफ महानूर बलोच तो दूसरी तरफ माशाल्लाह सलीम अलवेला साहब। गया ही नहीं ज्यादा स्कूल, वो मेरे वालद साहब कहते जिते रोज़ रोज़ जाइए उत्थे इज्जत नहीं होंगी, मैं फिर ज्यादा नहीं गया। वो अंडरटेकर है ना, लंगर टेकर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाज़रीन कहते हैं कि किसी को रुलाना बहुत आसान होता है मगर हंसाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही मुश्किल काम को आसान तरीके से करने वाली दो शख्सियात हमारे प्रोग्राम में तशरीफ रखती हैं जो आज हमारी सुबहों को खुशगवार बना देगी। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सलीम अलवेला और आगा माजिद, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप दोनों को खुशामदीद अपने प्रोग्राम में कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तस्लीम साहब तुसी एक गल दसो कि तुसी स्कूल च पढ़ी रहे जी जी, ते हर बंदे दी ख्वाहिश हुंदी है बल्कि हर बंदा चाहंदा है कि बचपन दे के फुट्टा लावा मना जावा स्कूलों। हां जी, तुसी पंजवीं तो नसे हो आए ते दोबारा फड़े नहीं गए अज तक, की चक्कर है? नहीं असल च मैं ना गया ही नहीं ज्यादा स्कूल, वो मेरे वालद साहब कहते जिते रोज रोज जाइए उत्थे इज्जत नहीं होंदी, मैं फिर ज्यादा नहीं गया। आगा माजी साहब तुहाड़े लावांगे, तुसी दसो मैनूं कि आपने अपने करियर का आगाज किस तरह से किया, ऐसा क्या हुआ कि आप इस इंडस्ट्री में आए और किने तका लाया तुहानूं कि तुसी ये जुगता मारो? देखिए करियर का आगाज, जहाँ तक करियर के आगाज की बात है, मैंने काफ़ी अर्से पहले स्टार्ट किया अपना, आई एम बिलोंग टू मुल्तान, मुल्तान से मैंने शोबिज़ का आगाज़ किया, मैंने अपनी तालीम भी वहाँ से हासिल की। तो उसके बाद ये अभी कोई ऐसा नहीं था, एक हादसाती तौर पे एक्टर हुआ, हादसाती तौर पे। कुकिंग बड़ी अच्छी करते थे, आप नहीं खाएंगे? कुकिंग मैं खुद करता हूँ, बड़ी बहुत खाते जी, रोटी तो बहुत खाते हैं। बता दें नहीं, मैं क्या ना वो अंडरटेकर है ना, लंगर टेकर है, एक मिथ बनी है, ऐसे बात बनी है कि जी मैं खाता बहुत ज्यादा। नहीं मिथ नहीं बनी, असि काफी देर इकट्ठे रहे हैं पका के ना गोश्त, असि सुते होने सर, मतलब एक रूम मीट से असी, मैं आगा माजर और नासर चनी उठी, ये पका के सानू उठाउंदा भी उठो रोटी खा लो। अच्छा, इन्हें सारा सालन एक परात च पा लेना ते इंज बह जाना कि जिस तरह खरे को, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਬਾਜਰਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ? ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੀ ਮੈਂ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹਨੇਰੀ ਟੁਰਿਆ। ਹਾਂ, ਹਨੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਪਰ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਦੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ, कभी भी। हालांकि बहुत सी ऐसी कंपनियां जिन्होंने कहा कि जी आप, हम वो ट्रांसप्लांट करते हैं, आपका इश्तेहार चलाएंगे, आपकी पब्लिसिटी करेंगे, मैंने कहा नहीं, मुझे जरूरत नहीं। आपकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई, उम्र में हो गई, माशाल्लाह। आप जो काम कर रहे थे आप उससे भी दौड़ लगा गए। अगर मैं आपको ये बात बता दूं, ये नहीं बताएगा, मैं इससे पहले बता दूं, पता है ये माशाल्लाह नाना भी है, दादा भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं उन्होंने पता है, उन्होंने सारा डेटा कढ़िया मेरा, तुहानू पता है इत्थों सेफ सिटी है, इत्थे कुछ नहीं बच सकदा। हर चीज दा पता है, ध्यान नाल गल करनी है। नाना होने के बावजूद आप इतने जवान कैसे हैं? जवान का राज बेशर्मी। अच्छा नहीं, ये गॉड गिफ्टेड है, मतलब एक गॉड गिफ्टेड नहीं, एक तरफ महानूर बलोच तो दूसरी तरफ माशाल्लाह सलीम अलवेला साहब। सलीम जी, सलीम बलोच जी ना, दोनों सलीम बलोच। पिछले प्रोग्राम में हमारे यहाँ पे हनी अलवेला साहब भी तशरीफ लेकर आए, माशाल्लाह जी, वो मेरे आप दोनों भी और हनी अलवेला साहब जब बात करते हैं तो वो आप दोनों का जिक्र जरूर करते हैं, और आप भी जब अपनी गुफ्तगू में लाजमी बताते हैं कि हनी अलवेला भी हमारा एक दोस्त है, तो आप दोनों तीनों की दोस्ती क्या, तीनों ही आप दोस्त हैं या कोई और भी आपकी गैदरिंग में शामिल होता है? नहीं, दोस्त का लफ्ज जो है वो कम है, असल में जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारी एक फैमिली, हम फैमिली की तरह रहते हैं, भाई हैं सारे, भाई हैं हमारे। आगा माजी साहब, आप सुने कि गाना बहुत अच्छा गाते हैं, बल्कि सुना भी है, तो मेहदी हसन साहब की आवाज़ में क्या सुनाएंगे आज आप हमें? गाना तो मेरी, मेरे रूह में है, गाना मेरे ब्लड में है, मुझे बड़ा शौक, शायद मैं अगर कॉमेडियन ना होता तो मैं
सिंगर तो अब भी है, अब भी है माशाल्लाह, लेकिन अब इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए इसको कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यू सीखने के लिए ये इल्म है ना, ये इल्म है पूरा, मौसीकी एक इल्म है, एक वक्त है जुगत, ये फिल्बती है, ये जुमला उतरता है बंदे के, जैसे शायर को फिक्रा उतरता है वो लिख लेता है, कॉमेडियन को ऐसे ही है वो लिख लेता, हमारा हवा में चला जाता। सर गाना सुनाओ जी। मैं गाना मेरे जाती तौर पर बड़ी पसंद मेहदी साहब की एक गजल, वो मैं उसके चंद अशआर आपको सुना। गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, मक्का में फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मक्का में फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तड़ा है गाना। अच्छा, गुलशन की काम कर दी सी ए मेरी भूपी दी थी है गुलशन का कारोबार। अच्छा, आप दोनों बैठे हुए हैं, दोनों में अगर मुकाबला करवाया जाए, वैसे नहीं करवा रहा मैं, जुगतों का मुकाबला करवाया जाए तो दोनों में कौन हारेगा? मैं हारूंगा। अच्छा? नहीं नहीं नहीं, पता क्या, ये मुकाबला होता ही नहीं। अच्छा, आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ? नहीं, ये होता है कि अगर हो जाए तो फॉर एग्जांपल, तो मैं सरेंडर करता हूँ, मैं हारूंगा। सलीम एक बड़ा कॉमेडियन है, सलीम को बात उतरती है, इसको आमद होती है। आगा साहब जो ना फर्स्ट स्टाइल फनकार है, ये जुगत के साथ साथ एक्टिंग भी करते, एक्ट करते, ये अपने रिएक्शन में बताता है कि इसने कोई बात की है मुझे, तो उस पर हमें क्लैप आ जाती है। ठीक है आगा माजी साहब, आपके रियलिटी शोज देखे मैंने काफी, तुसी पुलिस दा बड़ा मजाक उड़ाते हो, दसो की करिए तुहाडे नाल आज? भाईजान मैं पता आज आपके यहाँ सेफ सिटी का निजाम जो नहीं कैमरे या नहीं नहीं सेफ सिटी में हम लोग आज आए ना, अब तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा निजाम भी बड़ा खूबसूरत हो गया, यहाँ आए अपने दोस्तों की जो SHO हजरात पढ़े लिखे सारे आ गए, हम लोग जो सेगमेंट पुलिस डिपार्टमेंट का करते हैं ना, हम उससे अब सेफ सिटी लेवल का करेंगे। तो साड़ी प्रोड्यूसर दी भी नकल लाई सी यार, असी चैनल बनाए थाने च। अच्छा, ओदे साडे असी के पता नहीं 16 17 साडे, वो इंशाल्लाह अब उसको, क्योंकि बखुदा मैं किसी उससे काम नहीं ले रहा, दो राय से यहाँ आके आज पता चला है कि वाकई हम लोग जो अपनी पुलिस के बारे में जो बदगुमानी रखते हैं वो नहीं हमें रखनी चाहिए। सेफ सिटीज अथॉरिटी, यहाँ पे 15 की कॉल्स भी डील की जाती हैं, उस पर कुछ लोग फेक कॉल्स करते हैं, प्रैंक्स करते हैं, यहाँ पे प्रैंक कॉल करते हैं और आके बहुत सी गलत बातें कर रहे होते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि इट्स इमरजेंसी नंबर जी, तो आप इस पर गलत कॉल नहीं कर सकते, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको मतलब जाहिल ही कहूँगा उन्होंने, जाहिर है कि एक मजाक तो नहीं ना, बड़ा एक सीरियस इशू है, किसी को प्रॉब्लम है घर चो कॉल कर रहे हैं, वो क्यू च लग गया बेचारा, अगला एवं ही फेक गल कर रहा जी, की हाल है जी, अंकल तुहाडा नाम की है जी, कित्थे रहिंदे हो तुसीं, की करदे, तो इस काम लिए अदारा नहीं बनया, 15 कॉल आ, क्योंकि उन्होंने पता नहीं है फेक है कि दूसरी, उन्होंने तो चुकनी फौरी कि कॉल आई है की प्रॉब्लम है, तो लेकिन यह अदारा बहुत अच्छा हो गया, बल्कि 15 से बिल्कुल कार्रवाई होंगी पूरी, और बाद च भी उन्होंने कॉल कर दे, क्योंकि मैंने खुद मैं कॉल की सी, मैं कही सलीम अल बेला बोल रहा, मेरे घर से ना फायरिंग फूरिंग हो गई सी, किसी ने कर दी थी,
ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, SHO ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। आगा माजिद साहब और सलीम अलबेला साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और यकीन कीजिए मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और हमारे नाज़रीन ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच जी आपका मैं यहाँ बुलाने के लिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे आगा माजिद और सलीम अलबेला, यकीनन आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, और जाते जाते आपको बताते चलें कि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके अलावा आप लोग हमें Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ अलहा निगेबान।